आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। ठीक, और इसकी पहली एप्लीकेशन है फाइंड आउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, जब मैंने आपको इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि बाय द ग्राफ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या मैं बोलूं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर किसने बताया हमें? कोलराउस लॉ ने। ठीक है, इसने क्या कहा ध्यान से सुनना। इसने ये कहा कि अगर मान लो आपको किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो हमारे पास तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होनी चाहिए। बात को दोबारा सुनना, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कैसे? बात को समझेंगे। मान लिया कि मुझे क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। क्या है ये? वीक है। इसके लिए मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो कोलराउस क्या बोलता है बताओ? इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी? अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ यह इसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। क्लियर बात है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH- प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर वन। अब बच्चों, ये लॉ क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोलराउस किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होना चाहिए। उनमें से दो वे होने चाहिए जिनमें ये केटाइन और एनाइन क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक, एक वो होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम इसके अलावा जो प्रेजेंट होंगे उनको हटा सकें। लेट, हम अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ कोई से भी दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिनमें ये दोनों केटाइन और एनाइन प्रेजेंट हो। जैसे कि मान लिया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट में ये वाला एनाइन प्रेजेंट है, वो हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, डेरिवेशन। तो हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें जो गिवन होगा वही लेंगे। ठीक है, और एक कौन सा ले लिया हमने, HCl।
HCl भी तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या प्रेजेंट है, H प्लस। ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक बच्चों, इनके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, लेमडा नोड CH3CONa, क्या होगी, लेमडा नोड CH3CO- प्लस लेमडा नोड Na प्लस। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसके लिए क्या होगी, लेमडा नोड HCl के लिए लेमडा नोड H प्लस लेमडा नोड Cl माइनस। ये तो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दूं, तो क्या होगा, क्या उसमें लेमडा नोड CH3CO- प्रेजेंट रहेगा, रहेगा, ये भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हमें केवल क्या चाहिए, ये दोनों, इन दोनों को क्या करना है, हटाना है। तो सुन लो, अब तीसरा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जिसको हमें रिमूव करना है। बताओ मुझे किसको रिमूव करना है, Na प्लस को और Cl माइनस को। तो तीसरा कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूंगा मैं, NaCl, फोर NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिख दूंगा मैं, लेमडा नोड NaCl इज इक्वल टू लेमडा नोड Na प्लस लेमडा नोड Cl माइनस। इक्वेशन नंबर फोर, अब मुझे कौन सी इक्वेशन प्राप्त करनी है, इक्वेशन नंबर वन। अब इन तीनों को मुझे अरेंज करना है, तो सबसे सिंपल दिखाई दे रहा है आपको, अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को ऐड कर दूं और उस दोनों में से इक्वेशन फोर को माइनस कर दूं, तो मेरे पास यही बचेगा ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आई कि नहीं आई, आ गई। क्या करते हैं हम, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड और माइनस इक्वेशन फोर। तो क्या किया मैंने, लेमडा नोड CH3CONa प्लस लेमडा नोड HCl माइनस लेमडा नोड NaCl इज इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा नोड CH3CO-, अब ये जो भी है जोड़ दो, प्लस लेमडा नोड Na प्लस प्लस लेमडा नोड H प्लस प्लस लेमडा नोड Cl माइनस। अब इसको मैंने घटाया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का लेमडा नोड Na प्लस माइनस का लेमडा नोड Cl माइनस। Na प्लस Cl माइनस से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, लेमडा नोड CH3CONa प्लस लेमडा नोड HCl माइनस लेमडा नोड NaCl इज इक्वल टू लेमडा नोड CH3CO- प्लस लेमडा नोड H प्लस, या वी कैन राइट लेमडा नोड CH3CONa लेमडा नोड HCl माइनस लेमडा नोड NaCl इज इक्वल टू लेमडा नोड। ये वैल्यू किसकी होती है, लेमडा नोड, और ये हमारे पास आ गई हमारी वैल्यू, जो कोलराउस ने कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से। बस हमें ये देखना है कि कौन से दो को तो हमें ऐड करना है और किसको माइनस करना है, जिसकी वैल्यू हमें गेन करनी है उनमें जो केटाइन और एनाइन हो उनको तो ऐड करना है। इसमें CH3CO- था क्या, था, ये हमें प्राप्त करना है, तो इस वाले को जिसमें H प्लस हो उस वाले को क्या करना है, एड। अब हमें तो यही चाहिए, तो किसको हटाना है,
और जिसको हमें हटाना है तीसरा को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में आई क्या? अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 4H2CO3, इट इज द वीक एसिड। अब मुझे इसके लिए भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। और एग्जाम में आ गया कि आपको ही डिराइव करना है, अपने अकॉर्डिंग आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आयोनाइज करना है। क्या इसके लिए मैं लेमडा नोड एम, किसके लिए, H2CO3 के लिए क्या लिखूंगा बच्चों, लेमडा नोड कैटाइन, कितने हैं ये, 2 मोलर है ना, इसलिए आएगा 2, अगर इक्विवेलेंट होता तो नहीं आता। लेमडा नोड CO3-2, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बात है। अब हमें वही 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं, जिनमें से 2 को ऐड करना है और तीसरे को माइनस करना है। तो 4 इट वी टेक, बताओ कौन कौन से ले सकते हैं। 2 तो ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं जिनमें एक में तो ये केटाइन प्रेजेंट हो और एक में ये एनायन प्रेजेंट हो। तो बच्चों H प्लस के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है HCl, या सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या नाइट्रिक एसिड ले लो, कोई सा भी ले सकते हो जो आप लोग चाहते हो। क्या ले लिया मैंने, HCl में ये वाला केटाइन प्रेजेंट है, एक को लेना है जिसमें ये वाला एनायन प्रेजेंट हो, कौन सा ले लिया, सोडियम कार्बोनेट। ये सोल्ट है और हर सोल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, केवल किसको छोड़ के, वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सोल्ट को छोड़ के, ठीक है। एज अ एग्जांपल मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि अमोनियम कार्बोनेट, ये सोल्ट किससे बना है, वीक एसिड और वीक बेस से। वीक बेस तो कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड कौन सा है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये वाले क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बताया हुआ है। और हमें तीसरा वो लेना है, तीसरा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें इन दोनों को जोड़ने के बाद जिसको हमें रिमूव करना है। हमें तो ये दोनों चाहिए ना बच्चों, एनायन केटायन, ये थोड़े चाहिए तो इनको क्या करना है, रिमूव। तो तीसरा वो लेना है जिसको हमें रिमूव करना है, यानी कि NaCl, ठीक। तो अब लिखते हैं हम लेमडा नोड HCl क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा नोड H+ लेमडा नोड Cl-, लेमडा नोड Na2CO3 क्या हो जाएगा, लेमडा नोड Na+2 लेमडा नोड CO3-2, लेमडा नोड NaCl क्या हो जाएगा, लेमडा नोड Na+ लेमडा नोड Cl-। अब बच्चों पहले तो हमने क्या किया था, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ा था और इसको माइनस कर दिया था, आंसर आ गया था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ केटाइन और एनायन सेम नहीं है, उसमें सिमिलर थे, इसलिए कटने के बाद हमारा ये वाला आंसर आ गया था जो हमें चाहिए था। हमें ये आंसर चाहिए, टारगेट इक्वेशन ध्यान रखो, और टारगेट इक्वेशन में H प्लस कितने होने चाहिए, 2, यहाँ कितने हैं, 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनटू 2 करना पड़ेगा। क्लियर बात है। CO3-2 क्या चाहिए, 1, 1 ही है, ना तो मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड, बाकी इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो जाएगी, आप तो केवल इसको ध्यान रखो, ठीक है। बट चेक कर लो,
देखो ये हमारे पास 2H प्लस हो गए, 2 चाहिए थे, CO3 माइनस 2 1 हो गया, 1 चाहिए था। अब हमें हटाना किसको है उसको देखो। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद Cl माइनस कितने हो जाएंगे, 2, Na प्लस कितने हैं, 2, यानी 2 Na प्लस को 2 Cl माइनस को हमें रिमूव करना है, जबकि रिमूव करने वाले में क्यों कितने हैं, 1 1, तो इसको भी क्या कर देंगे इनटू 2। लिख दो इनको, लिख के बैलेंस कर लो। देखो ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। वही लिखूंगा इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड और माइनस इक्वेशन फोर, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 लेमडा नोड HCl इज इक्वल टू 2 लेमडा नोड H प्लस 2 लेमडा नोड Cl माइनस। ये हो गया हमारे पास, ये क्या रहेगा ऐसे के ऐसे ही, लेमडा नोड Na2CO3 2 लेमडा नोड Na प्लस लेमडा नोड CO3 माइनस 2। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 लेमडा नोड NaCl 2 लेमडा नोड Na प्लस प्लस 2 लेमडा नोड Cl माइनस। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा नोड HCl प्लस लेमडा नोड Na2CO3 माइनस 2 लेमडा नोड NaCl। अब इनको जोड़ने और इसको घटाने पर हमारे पास ये इक्वेशन आनी चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा राइट होगा। घटा लो 2 लेमडा नोड H प्लस 2 लेमडा नोड Cl माइनस 2 लेमडा नोड Na प्लस प्लस लेमडा नोड CO3 माइनस 2 माइनस 2 लेमडा नोड Na प्लस माइनस 2 लेमडा नोड Cl माइनस। ये देखो और ये लो, प्लस लेमडा नोड Na2CO3 माइनस 2 लेमडा नोड NaCl, और क्या बच गया हमारे पास 2 लेमडा नोड H प्लस प्लस लेमडा नोड CO3 माइनस 2 इज इक्वल टू लेमडा नोड H2CO3। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो बच्चों इसमें क्या करना पड़ा हमें, इस इक्वेशन को यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कार्बोनिक एसिड गेन करने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ा और इसको माइनस करना पड़ा, लेकिन साथ में देखो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन को भी बैलेंस किया है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। अगर मान लो नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन सब में क्या है 1111 है, तब तो ईजी हो जाएगा, दो को जोड़ो एक को घटाओ, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये तो था एक लॉन्ग वे, इसके लिए हम एक स्मार्ट वे सिंपल तरीका भी पता करेंगे बाद में, बट ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है ओके। तो बच्चों ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड पता करनी है और 3 स्ट्रॉन्ग की गिवन है। जैसा मैंने कहा था आप लोग देखोगे तो सबके अंदर नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन 1111 है, तो हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि किन दो को जोड़ना है और तीसरे को माइनस करना है। मैंने आपको पहले भी कहा जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना है वो एनाइन और केटाइन किस में मौजूद है उनको तो जोड़ना होता है, ठीक है, और जिसमें ये दोनों नहीं होते उसको माइनस करना होता है। CH3COO किस में है, H प्लस किस में है, इसमें दोनों नहीं है, इस वाले को माइनस करना है और इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा नोड CH3CONa प्लस लेमडा नोड HCl माइनस लेमडा नोड NaCl। ऐसा करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
अब हम बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, वो हम कर चुके हैं। पहले मैंने आपको प्रूफ कर दिया कैसे आती है, दो को जोड़ा था फिर वो माइनस हो गया था, कट हो गया था, तो सीधा अब इनकी वैल्यू रख दूँ। कितनी वैल्यू? 91। कितनी वैल्यू? 424.4। कितनी वैल्यू? 126.4। तो हमारे पास लेमडा नोड CH3COOH की वैल्यू कितनी आ गई? 389। मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, लिमिटिंग यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो बच्चों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए, ठीक है। इसमें क्या है, वही तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमें पता करनी है। तो तरीका वही है, दो को ऐड करना है और एक को माइनस करना है, लेकिन उसमें ये बड़ा आसान था क्योंकि नंबर ऑफ केटाइन और नंबर ऑफ एनाइन सबके क्या थे? सेम, सब में 1111 थे, इसलिए बड़ा सिंपल, हमने दो को ऐड किया, तीसरे को माइनस। यहाँ पर बैलेंस नहीं है, देखो पता करना है उसमें एल्यूमिनियम कितना है? 1। इसमें एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। जिसको निकालना है उसमें हाइड्रोक्साइड कितने होने चाहिए? 3। इसमें कितने हैं? 1, राइट। तो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको एक डेरिवेशन करके दिखाया था H2CO3 वाला, वैसे हम इसको बैलेंस कर लेंगे, लेकिन वो तो क्या था बच्चों? लॉन्ग मेथड। वो तो मैंने आपको केवल बताया था कि ऐसे ऐसे हम बैलेंस करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में हम क्या अपनाएंगे? सिंपल वे। क्या करना है देखो, मैं बताऊं, इनको ही काउंट करो। एल्यूमिनियम कितना है? 1, ठीक है। इसमें कितना है? 2। तो क्या करना होना चाहिए यहाँ पे? 1। क्या कर दोगे उसे? डिवाइड 1/2 कर दो। तरीका समझ लो, हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 3। हमें गिवन कितने हैं? 1। तो इसमें भी कितने होने चाहिए? 3। तो मल्टीप्लाई बाय द 3 कर दो। यहाँ तक तो बड़ा आसान होता है, प्रॉब्लम अब आती है। अब हमें ये तो मिल गया, लेकिन हमें किसको हटाना है? अमोनियम सल्फेट। भाई ये दोनों कहाँ मौजूद है? ये रहे। इसके अलावा हमें हटाना पड़ेगा, तो जिसको हटा रहे हैं वो भी बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर हमसे गलती होती है, उसे बचने का एक तरीका है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से वो कितने हो गए पहले लिख लो। सल्फेट, इसको हमें हटाना था, जब हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया ये? किसको हटाना है हमें यहाँ से? अमोनियम को। कितना हो गया ये? 3। तो जिसको हमें हटाना है उसमें ये भी इतने होने चाहिए। अब जिसको हटाना है उसमें अमोनियम कितने हैं? 2। होने कितने चाहिए? 3। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 1.5 से, तो हो गए 3। दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। या ये कितना है? 1। चाहिए कितना? 1.5। तो क्या कर दूँ? इनटू 1.5। ये लो बच्चों, बस हमने क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। अब जैसा ये कह रहा है वैसा हम लिख लेते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/2 इनटू लेमडा नोड एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस, इन दोनों को प्लस करना है, 3 लेमडा नोड NH4OH माइनस 1.5 लेमडा नोड अमोनियम सल्फेट। और ये क्या हो जाएगा अब? इक्वल टू लेमडा नोड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
तो बच्चों बताओ कितनी वैल्यू थी इसकी, 858, कितनी वैल्यू है 238.3, 1.5 कितनी वैल्यू है, क्लियर? बस कर लो सोल्व। सोल्व करते ही हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो गया बच्चों ये 429, ठीक है 714.9 माइनस, तो ये हमारे पास हो गया वापस आंसर लास्ट 786.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लिख लो।